तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। बेसिकली अगर इसमें देखोगे तो ये क्या कह रहा है कि इसमें ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक विद मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जो ट्रक है या कार मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक आदमी है, चलो मान लो एक ऑब्जर्वर है इस कार पे यहाँ पर। अगर ये ऑब्जर्वर के हाथ में बॉल है तो यार अगर इधर फेंक देगा बॉल तो इसको तो मिलेगी ही नहीं। इमेजिन करो तुम ट्रक में हो और आगे फेंकोगे तो तुम्हें तो दौड़ना पड़ेगा ना यार, बॉल तुम्हारे पास थोड़ी आएगी। तो अगर कुछ टाइम बाद जहाँ टी इक्वल टू जीरो पर बॉल ये ऊपर फेंका था, ठीक ना, कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंका था, तो ट्रक के फ्रेम से मैं देखूंगा तो कुछ टाइम बाद देखो बॉल के पास इसके ट्रक के फ्रेम से देखोगे तो इस आदमी को बॉल सीधा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। इमेजिन कर सकते हो। तो कुछ टाइम ये मान लो यहाँ पर पॉइंट ए पर फेंका था और पॉइंट बी पर जो बॉल है दोबारा हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद, हाईएस्ट पॉइंट पे जहाँ उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, तो दोबारा बॉल वापस आएगी और फिर इसके हाथ में, आदमी के हाथ में बी पॉइंट पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो बी पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस एक्स चला है उस डिस्टेंस की जो वैल्यू है यहाँ पे दे रखे हैं। तो डिस्टेंस एक्स कितना है भाई, 58.8 मीटर, ठीक है। तो बॉल को जाने में अगर टाइम टी लगा होगा ऊपर जाने में, मैं तो आने में भी तो टाइम टी लगा होगा यार। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो बॉल को जाने और आने में लगा हुआ टाइम और ए से बी तक कार को जाने में लगा, ये ए से बी तक कार या ट्रक को जाने में लगा टाइम, वो टाइम सेम होगा, तभी तो जाके इसके बॉल इसके हाथ में आएगी यार। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी फॉर ट्रक, ट्रक या कार जो भी ले लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो टाइम टाइम इज इक्वल टू ए से बी तक जाए में टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। क्योंकि एक्सलेशन जीरो है तो डिस्टेंस कितना चली कार, देखो यहाँ दिया हुआ है 58.8, और स्पीड कितनी है भाई, स्पीड है इसकी 14.7। तो ये कितना टाइम्स, ये 4 टाइम्स कट जा रहा है। तो टाइम ए से बी तक ट्रक को जाने में 4 सेकेंड लगा होगा, मतलब कुल मिला के टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बॉल का 4 सेकेंड है। 4 सेकेंड में बॉल जो है वो ऊपर से नीचे आ गई होगी और ट्रक जो है वो 58 मीटर आगे चला गया होगा। तो अगर मैं अब इस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं, कितनी स्पीड से फेंका गया था बॉल, तो मान लो ये यू स्पीड से ऊपर फेंका गया था। तो अगर ये यू स्पीड से ऊपर फेंका हो गया तो यू प्लस ए टी मैं वाई एक्सिस में लगाता हूँ और ये इक्वेशन वाई एक्सिस में था फॉर बॉल, ये मैं बॉल के लिए लगा रहा हूँ, ठीक ना। तो वाई एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियली यू, और एक्सलेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी, और ए टाइम ऑफ फ्लाइट बॉल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट स्मॉल टी, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्मॉल टी की जो वैल्यू है यू बाई जी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ जाएगा वो 2 टी आ जाएगा, मतलब 2 u/g जितना आने हो। तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो जी अपन कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 2, और जी यहाँ पे 9.8 ले लेता हूँ, और ये बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट ट्रक का टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है, तो 4 सेकेंड, और ये 2 से डिवाइड कर दूँ, तो 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये तुम देखोगे यहाँ से ये 2 टाइम्स यहाँ से कट गया और ये आ जाएगा 19.6 यहाँ से मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये, मतलब कुल मिला के हम लोगों का इसमें से बी ऑप्शन सही बन जाता है बच्चों। तो अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, थैंक यू।